बिल्कुल सर, निगल चोटें ये सब बिहाइंड द सीन रहे तो ये अच्छा है। जब हम इंडिया के वेस्ट को पहनते हैं, जब हम कम्पीट करने के लिए जाते हैं और वो स्क्रीन से बाहर जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तब एक ही लक्ष्य होता है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना, फॉरगेटिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा भी वही गोल था कि चाहे पट्टी बांधनी हो, चाहे जो भी करना हो, बिहाइंड द सीन जो जो हुआ हो, वहाँ पे जब मैं हूँ इंडिया की जर्सी पहन के कम्पीट कर रहा हूँ तो वहाँ गोल यही है कि अच्छे से अच्छा मेडल कैसे जीता जाए। तो वही मैंने करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ उसमें। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और आप अपने परफॉर्मेंस में ओवरऑल क्या कहेंगे? आपने जैसा जो आपने देखा अपना पॉइंट और अपना स्कोर मल्टीपल डिसिप्लिन में, तो आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया तो वो फीलिंग कैसे? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है सर। और डेकैथलन की शायद खासियत यही है कि 10 इवेंट करने के बाद आप अच्छा नहीं भी करते तो भी आप संतुष्ट होते हो अपने रिजल्ट से, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम है और इतना फटीग हो जाता है। सो यू आर वेरी कंटेंट विद योर परफॉर्मेंस। हाई जंप में तो एक जंप मिस हो गई, 3 रह गया, लगता था अरे ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक भी शब्द नहीं है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, क्योंकि जो जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया और जो स्कोर मैंने हासिल किया मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। ये इतने सालों के बाद एक मेडल आया, लेकिन अगर हम वेरियस डिसिप्लिन्स की बात करें इसमें इतना होता है, आपको क्या लगता है किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपने अपना अच्छा कर दिया इसमें और किस डिसिप्लिन में? आप वैसे आप बोलते हैं कि वो तो आप इसके आगे आप कुछ नहीं करते, बट किस डिसिप्लिन में आपको लगता है आपने यहाँ पर अच्छा किया जो आपको यहाँ तक लेके गया? सर ओवरऑल कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस जो है, आई मीन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि सब लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं कि पोल वॉल्ट में अच्छा कर सकते हैं, डिस्कस में अच्छा कर सकते हैं, जैवलिन में, तो कहीं ना कहीं उन इवेंट्स में मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ जो मेरे लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव साइन है, अच्छा साइन है कि एक कंप्लीट एथलीट बनने की मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कंप्लीट एथलीट बनने की। तो कहीं ना कहीं अब मेरे डे वन इवेंट्स भी थोड़े और उठ के हैं, जैसे हाई जंप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ उससे, लेकिन यही लॉन्ग जंप थोड़ा सा 737 जो था वो 745 760 की रेंज में जाता तो और स्कोर अच्छा हो सकता था। सो ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन अगेन ऑन दैट गिवन डे जो आप कर सकते हो वो आपने किया तो मेरे को भी रिग्रेट्स नहीं है।